हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको आपव्यूह शेषांश अध्याय 5 एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें हमें निकालना है, शाखंड ज्ञात करना है। इसके लिए हमें 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स जैसे है, तो आपव्यूह ए जो है ये 3x3 का मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें जो है 3 रो होते हैं और 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो हम इसको शाखंड को आपको डिटेल से बताएंगे, जो आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं। A11 का मतलब ये होगा बच्चों कि इसमें फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो कहलाता है 113 और फर्स्ट कॉलम कहलाएगा 102। ये छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है ना उसको लिखेंगे। क्या क्या बचा देखिए, 1-1 और 04 बचा हुआ है, इसको लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1 का इंटू 4 से करिए, फिर माइनस करके -1 का इंटू किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो क्या आया देखिए, 1 का 4 से जब इंटू किए तो 4 आया और ये क्या हो गया, प्लस का 0। इस प्रकार से A11 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखिए 1 2 1 2 मतलब ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 1 और 2 को प्लस किया तो 3 आया ना, 1 और 2 ऑड नंबर है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। और इसमें फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमको छोड़ देना है। देखिए फर्स्ट रो क्या है मेरे पास, 113 और सेकंड कॉलम क्या है, 110। ये छूट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचा, -1 और 2 और 4 बचा, ठीक है। अब ये माइनस हम इसको लगाए, अब 4 का इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। माइनस नियम का होता है, किसका होता है, माइनस नियम का है। तो 2 का इंटू जब -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो इस प्रकार से देखिए, माइनस ये लगाए, 0 लिखे और माइनस माइनस के इंटू क्या होगा, +2। तो इस प्रकार से बच्चों क्या आएगा, -2 आ गया हमारा A12। अब हम लोग A13 निकालेंगे। A13 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम को छोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो बचा क्या अपने पास, 0, 1 और 2 और 0 बचा, ठीक। फर्स्ट रो छूट जाएगा, 113 सबके साथ छूटेगा, अब थर्ड कॉलम छूटेगा, 3-1 और 4 बचा क्या, 0, 1 और 2, 0 बचा। इसको इंटू करिए बच्चों, 0, 0 का इंटू 0 होगा, माइनस लगाइए, 2 और इंटू 1 का करेंगे तो क्या होगा, 2। तो इस प्रकार से क्या आ गया, -2 आया हमारा A13। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A21। देखिए 2 और 1 को जोड़िए बच्चों, 3 हुआ ना, विषम संख्या आई ना, तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम अब छूटेगा, सेकेंड रो 0, 1, -1 ये छूट जाएगा, फर्स्ट कॉलम 102 है ये छूट जाएगा, तो क्या बचा देखो, 13 बचेगा। ये तो छूटा है 0, 1, -1, क्या बचा, 0 और 4 बचा, ठीक है। तो 4 का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4 -0, इसका इंटू क्या आएगा, -4 आया। A22 का मतलब है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए तो सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम 110 ये छूट जाएगा, क्या क्या बचा, 1 और 3 2 और 4 बचा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 का इंटू 1 से करेंगे तो 4 आएगा, -3 का 2 से इंटू करेंगे 6 आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या आया है, -2 आएगा, ठीक है। 4 1 4 और 3 2 6 -6, तो इस प्रकार से क्या आंसर आएगा, 4 -6 -2, A22 की वैल्यू आ गई। तो हम लोग निकालेंगे A23। देखिए A23 ये जब 2 और 3 को जोड़िए क्या होता है, 5 ना, विषम संख्या जाती है तो माइनस लगाइए, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, 2 3 का मतलब होता है सेकेंड रो पूरा छूट जाएगा, थर्ड कॉलम 3-1 4 है ये छूट जाएगा, क्या क्या बचा बताओ, 1 1 और 2 0 बचा, ठीक है। तो 1 का इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा और -2 कर दिए, ठीक। तो ये अपना आ गया 2, A23 हो गया 2 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे A31, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ना, थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, छूट जाएगा, क्या क्या बचेगा, 1 3 1 -1 बचा, ठीक है। तो ये 1 का इंटू -1 से करिए, -1 आएगा। फिर नियम का माइनस लगाएंगे, किसका लगाएंगे, नियम का, 3 का 1 से इंटू करेंगे 3, तो इस प्रकार से -4 आ गया। A32 थर्ड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये छूट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 3 बचेगा, 1 3 बचेगा और 0 और -1 बचेगा, 0 और -1 बचा, ठीक है। 3 2 को प्लस करो बच्चों, 5 आया ना, माइनस लगेगा साइन। अब देखो माइनस नियम का, 1 -1 का इंटू किए, -1 -0, इस प्रकार से क्या आ गया, 1। अब A33 निकालेंगे, तो 33 का मतलब ये हो थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये छूट जाएगा, क्या क्या बचेगा, 1 1 0 और 1, इस प्रकार से 1 1 1 -0, इस प्रकार से क्या आ गया, 1 आ गया 33 का। तो ये हमारा आंसर आया, 1-0=1 आ गया। तो ये A33 की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यू को एक जगह लेके एडजॉइंट निकालते हैं। तो शाखंड निकालना था, तो शाखंड को हमें अंग्रेजी में एडजॉइंट कहते हैं। तो एडजॉइंट ए इसका तो क्या होगा, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33।
ये हुआ हमारा 3x3 के मैट्रिक्स के शाखाखंड निकालने का ये तरीका। इतनी चीज अपने को जरूरत पड़ती है। अब इसमें सबसे पहले वैल्यू रखें, A11 का 4, A12 की वैल्यू है -2, A13 की वैल्यू आई थी हमारे पास -2, A21 की वैल्यू हमने लिख लिया है -4, A22 की वैल्यू आई थी -2 और A23 की वैल्यू आई थी 2, A31 की वैल्यू आई थी -4, A32 की वैल्यू आई थी 1, A33 की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो इस प्रकार से एडजॉइंट अपना आ गया बच्चों को 4 -2 -2 -4 -2 2 -4 1 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, यदि a बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin बीटा cos बीटा हो तो एडजॉइंट a ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि a इनटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इनटू a, इसका जो डिटरमाइंस की वैल्यू जो मॉड a है a इनटू i, ये निकालना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मॉड यानी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ये डिटरमिनेंट्स a इक्वल टू cos अल्फा का इनटू कॉस बीटा से होगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा नियम का माइनस लगाइए, माइनस साइन अल्फा इनटू क्या होगा साइन बीटा हुआ, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। बच्चों ये फार्मूला है क्लास 11 का, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होगा कॉस ए माइनस बी, मतलब अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फार्मूला होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। अब मैं निकालूंगा क्या एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने का A11 निकाल दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, तो छूट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों कॉस बीटा बचा। फिर A12 जब निकाला तो 12 को ऐड करो पहले, तो प्लस करे तो 3 हुआ, तो 1 2 3 हुआ, तो इसमें ऑड है तो माइनस लगेगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो ये है सेकंड कॉलम ये है, तो बचेगा क्या माइनस साइन अल्फा बचा। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या आ गया साइन अल्फा। अब A21 निकाले, 2 1 भी ऑड नंबर, देखो 2 और 1 को जोड़ता हूँ 3 आता, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है छूट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास मात्र साइन बीटा बचेगा, ठीक है, और साइन बीटा बचा। अब A22 निकाला जाए तो सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो ये है सेकंड कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचेगा मात्र कॉस अल्फा बचेगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे a इनटू एडजॉइंट, तो पहले हम सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट a इक्वल टू क्या होगा A11 A12 A21 A22, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। A11 की वैल्यू बच्चों मैंने निकाल ली, यहां पर क्या है cos बीटा है, A12 की वैल्यू भी हमने निकाल के रख ली है sin अल्फा है, A21 की वैल्यू मेरे पास माइनस sin बीटा है, और A22 की वैल्यू क्या है मेरे पास cos अल्फा है, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमने क्या किया ये रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दर्शाइए बोला ना a इंटू एडजॉइंट a, तो a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो चलिए सब एक साथ करते हैं, क्या दिक्कत है, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमाइंस a मार्ट, मतलब डिटरमाइंस की वैल्यू a इंटू i, तो चलिए a लिखते हैं, a की वैल्यू मेरे पास क्या थी बच्चों cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा cos बीटा, ठीक, और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है मेरे पास देखो कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट हुआ, फिर इक्वल टू लगाइए एडजॉइंट इंटू ए है, दूसरा कॉलम क्या है अपने प्रूव करना एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट मेरे पास कितना था कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी थी मेरे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोसाइन बीटा कॉस बीटा, ये मेरे पास क्या था अपना ए की वैल्यू आई, ठीक है। और डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू क्या लिखना है अपने को यहां पर मॉड ए, तो मॉड डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू आई, आई की वैल्यू क्या थी 1001, मतलब मेरा कहने का जो बच्चों में से पूछ रहा है मैं सब तीनों टर्म को एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट a निकाल दे रहा हूँ, फिर एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू ये रख दिया, फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू a इंटू i, i का 2x2 का मैट्रिक्स है इसलिए 1 0 और 0 1 होगा 2x2 का मैट्रिक्स। चलिए गुणा करना सीखते हैं, cos अल्फा का इंटू cos बीटा से करेंगे तो क्या आएगा cos अल्फा cos बीटा
देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कारण से होगा, तो कास अल्फा का कास बीटा से करिए ये हुआ, साइन बीटा का साइन अल्फा से करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगा के तो साइन बीटा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा का कास बीटा से करिए तो माइनस साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास बीटा साइन अल्फा, कास बीटा साइन अल्फा हुआ। ठीक बच्चों, फिर कास अल्फा का इंटू माइनस साइन बीटा से करेंगे तो कास अल्फा आगे माइनस लगा दीजिए साइन बीटा हुआ। ठीक बच्चों, फिर कॉस अल्फा का माइनस साइन बीटा से हो गया, फिर साइन बीटा का कॉस अल्फा से हो जाएगा तो साइन बीटा कॉस अल्फा हुआ। अब माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन बीटा से करेंगे तो क्या जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस के इनटू प्लस, फिर प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक टर्म का ही पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड टर्म का बाद में करते हैं, ठीक है, थर्ड टर्म का फिर उसके बाद करके तीनों के आंसर को सेम सेम दिखाते हैं। ठीक बच्चों, अब यहाँ तक कर लेते हैं, कास अल्फा कास बीटा का मल्टीप्लाई हम सिखा देंगे, किसका फार्मूला, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होगा बताओ, दसवीं का फार्मूला है, इलेवंथ का कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होगा। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास बीटा साइन अल्फा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचा। ठीक है, और इधर देखिए ये साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका फार्मूला है, कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कास ए कास बी, देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा कॉस वाला, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बच्चों किसका फार्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा चाहे तो कॉमन भी ले सकता था, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास 1001 बचा। ठीक है, तो ये अपना एक पार्ट का आंसर आया, जो क्या आया, कॉस अल्फा माइनस बीटा 1001 आया। ठीक है, अब मैं सेकेंड पार्ट को डिटेल से सॉल्व करता हूँ। ठीक, चलिए सेकेंड पार्ट को प्रूफ करते हैं, आप कॉस बीटा का इंटू करेंगे, कॉस बीटा का इंटू कॉस अल्फा से होगा तो क्या आएगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा का कॉस अल्फा से इंटू क्या, फिर माइनस साइन बीटा का माइनस साइन अल्फा से होगा तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कैसे इसका इंटू इसके साथ होगा, मल्टीप्लाई सीखना है, मल्टीप्लाई वाला वीडियो का मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिससे आपको कई सवाल उसमें मैं मल्टीप्लाई के बताया हूँ, उसको यदि आप देख लेंगे तो बच्चों आपसे मल्टीप्लाई बहुत बने अच्छे से बन जाएगा, उसके लिंक कास अल्फा का इंटू कास अल्फा से बीटा से कास बीटा का कास अल्फा से क्या ये आया, माइनस साइन बीटा का माइनस साइन अल्फा से क्या तो साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, ये साइन अल्फा का इंटू कास अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और कास अल्फा का साइन अल्फा से कर देंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया बच्चों। अब देखिए कॉस बीटा का इंटू साइन बीटा से करिए तो कॉस बीटा साइन बीटा हो जाएगा, और साइन अल्फा का कॉस बीटा का इंटू साइन बीटा से हुआ, अब माइनस साइन बीटा का इंटू कॉस बीटा से करेंगे तो माइनस साइन बीटा कॉस बीटा हुआ, फिर साइन अल्फा का इंटू साइन बीटा से करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया। ठीक बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए ये कॉस बीटा कॉस अल्फा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, फिर ये देखो साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों मैंने यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा दी कॉमन ले लेता हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा दी कॉमन ले लूंगा तो इस प्लेस में वन बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ जीरो और वन। तो देखो बच्चों एलएचएस का पहला पार्ट का मैं आंसर यहाँ पर लिख के रखा हूँ, ये आया, और सेकेंड पार्ट का भी आया आंसर मेरे पास, क्या आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा 1001 आ गया। ठीक, अब थर्ड पार्ट भी मैंने आपको बता ही दिया था कि थर्ड पार्ट हमारा क्या था, एक बार और रिमाइंडर करा दिया आपको थर्ड पार्ट का, कि थर्ड पार्ट में जो था डिटरमिनेंट्स ए, डिटरमिनेंट्स ए इनटू आई था, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आई थी, कॉस अल्फा माइनस बीटा आई थी, और आई की वैल्यू क्या आई थी, 1001 आई थी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों पार्ट हमारे इक्वल होगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों। ठीक बच्चों, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन है तो एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, और सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमाइंस ए और आई थ्री। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है, तो चलिए हम लोग पहले क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है, देखो कॉस अल्फा जब लेंगे, कॉस अल्फा लिए फर्स्ट रो
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा इसको लिखिए, कॉस अल्फा बचा 0 0 1। फर्स्ट प्लस से होता बच्चों, फिर सेकेंड वाला क्या होता माइनस, नियम का माइनस होता, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा ये लिख दीजिए। अब इसका सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिएगा और फर्स्ट रो तो सबके साथ छूटेगा, क्या बचा बताइए, साइन अल्फा बचेगा और जीरो बचेगा, जीरो बचेगा और ध्यान देंगे। देखिए पहले हम कॉस अल्फा लेते हैं ना, तो फर्स्ट रो ये कहलाता है, फर्स्ट रो छूट जाता, फर्स्ट कॉलम ये कहलाती है, ये भी छोड़ देते, ठीक है, जो बचता है कॉस अल्फा बचा था जीरो और जीरो वन बचा, ठीक। फिर नियम क्या है, पहले प्लस लेते हैं फिर दोबारा भी माइनस लेते हैं, तो माइनस साइन अल्फा लिए ना तो ये कॉलम छूट जाएगा और फर्स्ट रो तो सबके साथ छूटेगा, बचा क्या, देखो साइन अल्फा बचेगा और जीरो बचेगा, उसको लिख दिया जीरो और वन बचा लिख, ठीक है। अब प्लस जब जीरो लेंगे बच्चों तो जीरो तो छोड़ देंगे, जीरो के नीचे वाला कॉलम छूट जाएगा, बचेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा बचा और कॉस अल्फा बचा और जीरो जीरो बचा, ठीक। तो चलिए अब क्या करते हैं, कॉस अल्फा लिख दिया और कॉस अल्फा का इंटू वन से कर देंगे तो क्या आ गया, कॉस अल्फा हो गया, माइनस माइनस का इंटू प्लस हो गया तो साइन अल्फा लिख दीजिए, साइन अल्फा का इंटू वन से करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, साइन अल्फा आ गया, और जीरो का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस जीरो जीरो का इंटू करेंगे तो सब क्या आ जाएगा, रिजल्ट जीरो आ गया। अब बच्चों कॉस अल्फा का इंटू करिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, हम लोग एडजॉइंट निकालें, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, इसके लिए हम लोग बच्चों A11 निकालेंगे। A11 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, फर्स्ट रो हमारा ये कहलाता है, फर्स्ट कॉलम ये कहलाता, छोड़ दी, जो बचा बच्चों उसको लिख दीजिए, कॉस अल्फा बचा जीरो बचा, जीरो और वन बचा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, कॉस अल्फा का इंटू वन से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस जीरो बराबर क्या आ गया बच्चों, कॉस अल्फा आ गया। A11 की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, कॉस अल्फा बताई। अब A12, वन और टू को प्लस करिए, थ्री हुआ ना तो माइनस लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ऑड नंबर, वन और टू को प्लस करते थ्री होता ऑड होता है तो माइनस। तो पहला रो का सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, छूट जाएगा, क्या बचा बताओ, साइन अल्फा बचा जीरो बचा, जीरो हुआ वन हुआ, तो बच्चों ये माइनस साइन अल्फा, माइनस लगाइए, साइन अल्फा का इंटू वन से कर दीजिए तो क्या आएगा, साइन अल्फा हो गया। अब A13 निकालिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ना, फर्स्ट रो ये है थर्ड कॉलम ये है, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा बच्चों, देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो जीरो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई जीरो से जब करेंगे जीरो और माइनस कॉस अल्फा का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो, A13। अब बच्चों देखो A21, दो और एक को जोड़ो तीन आया, विषम संख्या आई ना, ऑड नंबर आया तो माइनस का साइन लगेगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो पूरा छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए बच्चों, देखो क्या क्या बचता है आपका, माइनस साइन अल्फा बचेगा, जीरो बचा वन बचा, ठीक है, तो माइनस लगाए, माइनस साइन अल्फा का इंटू वन से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा हो गया, ठीक है, और ये जीरो का इंटू जीरो से तो जीरो आ गया, इस प्रकार से बच्चों क्या आया, साइन अल्फा। A22 निकाले, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम छोड़े, सेकेंड रो ये है और सेकेंड कॉलम ये है, अब क्या बचा बताओ, कॉस अल्फा बचा जीरो बचा, सेकेंड रो छूटेगा बच्चों, सेकेंड रो छूटेगा, सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा और जीरो बचा, जीरो और वन बचा, जीरो और वन, ठीक है, कॉस अल्फा का इंटू वन से कर दीजिए तो क्या आया, कॉस अल्फा। अब हम निकालेंगे A23 बच्चों, हम लोग निकालेंगे A23 को पहले प्लस करो, 23 को प्लस करो, 2 प्लस 3 5 होगा, ऑड नंबर आया तो माइनस लगेगा। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है थर्ड कॉलम ये, छूट जाएगा, क्या बचा आपके पास, कॉस अल्फा बचा माइनस साइन अल्फा बचा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिए, सेकेंड रो ये है थर्ड कॉलम ये छूट जाएगा, कॉस अल्फा बचेगा माइनस साइन अल्फा बचेगा, और क्या बचेगा, सेकेंड रो छोड़ रहा हूँ तो साइन अल्फा छोड़ेगा, जीरो और जीरो बचेगा, जीरो और जीरो बचा, ठीक है, सेकेंड रो ये है थर्ड कॉलम ये है, छूट जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो और जीरो बचा, ठीक बच्चों, तो कॉस अल्फा का इंटू जीरो से करोगे जीरो आएगा, साइन अल्फा का इंटू जीरो से बाई क्रॉस करेंगे ऐसे इंटू करेंगे ना, तो ये देखो तो कॉस अल्फा का इंटू जीरो से तो जीरो आएगा, साइन अल्फा का इंटू तो जीरो से जीरो आएगा। अब हम निकालेंगे A31 निकालेंगे, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये छोड़ दीजिए, आपके पास जो बचता उसको लिख दीजिए, साइन अल्फा बचेगा जीरो बचेगा, ठीक, और कॉस अल्फा बचेगा जीरो बचेगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़े, कॉस अल्फा और जीरो बचा, ठीक है, तो कॉस अल्फा लिख दिया जीरो लिख दिया, इसका जब इससे इंटू करेंगे बच्चों माइनस साइन अल्फा का जीरो से इंटू करेंगे जीरो आएगा, कॉस अल्फा का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा। अब A32 निकालिए, इसमें माइनस लगा दीजिए, पहले थ्री और टू को प्लस का ध्यान रखना, हर बार ध्यान रखना है आपको कि किसमें प्लस लगेगा किसमें माइनस लगेगा, विषम संख्या में हमेशा माइनस लगता है, थ्री टू जोड़ो फाइव होगा माइनस लगेगा। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छूट गया, क्या बचा आपके पास, कॉस अल्फा बचा और जीरो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा और
रो और सेकंड कॉलम छूटेगा, थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम छूटेगा बच्चे, तो कॉस अल्फा और जीरो बचेगा, साइन अल्फा और जीरो बचेगा, ठीक है। तो ये साइन अल्फा और जीरो बचेगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, जीरो। देखो कॉस अल्फा का इंटू जीरो करेंगे जीरो, साइन अल्फा का इंटू जीरो करेंगे जीरो। अब ए थ्री थ्री निकालेंगे, ए थ्री थ्री निकालेंगे, थर्ड रो छूट जाएगा, थर्ड कॉलम छूट जाएगा बच्चों, क्या क्या बचेगा उसको लिखिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस अल्फा का इंटू कॉस अल्फा से कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस, ये नियम को तो माइनस बचो, और माइनस साइन अल्फा का इंटू करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वन। तो ए थ्री थ्री की वैल्यू आ गई वन। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक। अब बच्चे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ए वन वन की वैल्यू कितनी बताओ, कॉस अल्फा, ए वन टू की वैल्यू माइनस साइन अल्फा, फिर ए वन थ्री की वैल्यू जीरो, ए टू वन की वैल्यू है साइन अल्फा, ए टू टू की वैल्यू है कॉस अल्फा, ए टू थ्री की वैल्यू जीरो, ठीक है, ए थ्री वन की वैल्यू आ गई जीरो, ए थ्री टू की वैल्यू आ गई जीरो, ए थ्री थ्री की वैल्यू आ गई वन, कितनी आ गई वन, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, पहले सत्यापित कीजिए ए इंटू एडजॉइंट के पहले पार्ट को करेंगे, फिर सेकेंड पार्ट को, फिर थर्ड पार्ट को हम लोग करेंगे, ठीक। अब हम ए इंटू एडजॉइंट लिखेंगे तो ए की वैल्यू मैंने लिख दी है, ये सबसे ऊपर में लिखा था, और एडजॉइंट ए की वैल्यू भी हमने लिख दी, निकाल लिया था उसको। अब दोनों को मल्टीप्लाई सीखते, देखिए कॉस अल्फा का इंटू पहले फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम से, तो कॉस अल्फा का इंटू कॉस अल्फा से होगा बच्चों तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से होगा तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर जीरो का इंटू जीरो से होगा तो आएगा क्या, जीरो, फिर साइन अल्फा का इंटू कॉस अल्फा से होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से होगा तो ये कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन अल्फा का कर दिया कॉस अल्फा से हो गया, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा से हो गया, जीरो का जीरो से कर दिया तो क्या, जीरो हो गया। अब जीरो में इंटू कॉस अल्फा से करेंगे जीरो, जीरो का इंटू माइनस साइन अल्फा से तो जीरो, और वन का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो आया, ठीक बच्चों। अब हम फर्स्ट रो का पूरे सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का हम सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे, ठीक बच्चों। किससे इंटू करेंगे हम समझाने के लिए लगा देते हैं आपको, इसमें इंटू करना, किसमें करना, इसमें ध्यान रखें, कॉस अल्फा का इंटू साइन अल्फा से करिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा, ठीक। फिर माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा से करिए तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हुआ, फिर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो हुआ, फिर साइन अल्फा का इंटू साइन अल्फा से करिए तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से करिए तो बीच में प्लस का साइन लगा के कॉस स्क्वायर अल्फा, जीरो का इंटू जीरो से करिए तो जीरो, फिर जीरो का इंटू साइन अल्फा से करेंगे तो जीरो, जीरो का इंटू कॉस अल्फा से करेंगे तो जीरो, वन का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो आया बच्चों। अब इसमें तो मैं इंटू आपको सिखा दिया, बता दिया, अब कैसे इंटू करना, अब आपको इसमें इंटू का थर्ड कॉलम में अब इंटू करिए, इसी सब नंबर का देखिए, कॉस अल्फा का जीरो से इंटू करिए तो जीरो, माइनस साइन अल्फा का जीरो से करिए तो जीरो, जीरो का इंटू वन से करेंगे तो जीरो, फिर साइन अल्फा का जीरो से करेंगे तो जीरो, कॉस अल्फा का भी जीरो से करेंगे तो जीरो, जीरो का इंटू वन से करेंगे तो जीरो, फिर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे जीरो, फिर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो, फिर वन का इंटू वन से करेंगे तो वन आया, ठीक बच्चों। आप ध्यान दो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वन, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस है तो जीरो, ये जीरो आ गया। फिर जब कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू वन, फिर जीरो आ गई है, ठीक। अब इधर तो जीरो आया था, जीरो में जीरो जीरो प्लस किया जीरो आया, और जीरो जीरो प्लस किए तो वन आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से मेरा ए इंटू एडजॉइंट क्या आ गया, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो और जीरो जीरो वन। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, सेकंड पार्ट प्रूव करें बच्चों। देखो एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने रख दिया है और ए की वैल्यू अपने पास जो थी उसको रख दे। अब इंटू करना सीखिए, देखिए इसमें इंटू करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे ना, इसमें इंटू करेंगे ना, इसका कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आया, फिर साइन अल्फा का साइन अल्फा से इंटू हुआ तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, जीरो का इंटू जीरो से हुआ तो क्या हुआ, जीरो, फिर माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हुआ, कॉस अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हुआ, फिर जीरो का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो हुआ, जीरो का इंटू कॉस अल्फा से करोगे जीरो, जीरो का इंटू साइन अल्फा से करोगे जीरो, वन का इंटू जीरो से करोगे तो जीरो आया बच्चों। अब इसमें हम इंटू करके समझा दिया आपको, अब ध्यान देंगे आप
इसमें इंटू करना बच्चों, किसमें, इसमें, ठीक है। सर्कल लगाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर सर्कल लगा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉस अल्फा का इंटू माइनस साइन अल्फा से करिए तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा होगा, फिर साइन अल्फा का कॉस अल्फा से करिए तो प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हुआ, फिर जीरो का इंटू जीरो से करिए बच्चों तो जीरो हुआ, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से करिएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से करिए बच्चों तो कॉस स्क्वायर अल्फा, जीरो का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो, फिर जीरो का इंटू माइनस साइन अल्फा से करेंगे जीरो, जीरो का इंटू जीरो से करेंगे जीरो, वन का इंटू जीरो से करेंगे तो जीरो, ठीक। ये क्लियर हो बच्चों, अब इसके भी सर्कल को मिटा देते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब बच्चों आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा का इंटू जीरो से करिए तो जीरो, साइन अल्फा का जीरो से करिए तो जीरो, जीरो का वन में करिए तो जीरो, यहाँ लिखेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक बच्चों। अब माइनस साइन अल्फा का जीरो में करेंगे तो जीरो, कॉस अल्फा का जीरो से करेंगे जीरो, वन का जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो का इंटू जीरो से करिए तो जीरो, जीरो का इंटू जीरो से करिए तो जीरो, और वन का इंटू जब वन से कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, वन आ गया, ठीक। अब ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वन, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा कैंसिल जीरो, फिर ये जीरो जीरो में जोड़ोगे तो जीरो आया, फिर देखो माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा जीरो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर और ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कर दे जीरो, अब ये सब आ गया जीरो, ये भी जीरो आ गया, और जीरो जीरो वन प्लस कर दे वन आ गया बच्चों, ये आ गया एडजॉइंट है, तो ये भी देखिए सेम आंसर आ गया उसका। अब हमको डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई थ्री की वैल्यू निकालना है, दो पार्ट हमने इक्वल करके दिखा दिया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, जो थर्ड पार्ट है डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई थ्री था, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू वन थी बच्चों, और आई थ्री क्या होता है, तीन बाई तीन के मैट्रिक्स में वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन होता है, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों हमने तीनों पार्ट को प्रूफ कर दिया कि ए इंटू ए एडजॉइंट ए कर दिया, एडजॉइंट इंटू ए और ए डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई थ्री, मतलब तीनों पार्ट जो पूछा था उसे हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देख कर अपनी पढ़ाई कर सकें।